शासन के निर्देशानुसार खेतों में खड़े फसलों का अवशेष पराली को जलाए जाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रत्येक विकासखंड तहसील स्तर पर उड़न दस्ता गठित किया गया है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशानुसार खेतों में फसलों के अवशेष को जलाना एक जुर्म है। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है और आगजनी की भी घटना घटित हो सकती है। जिलाधिकारी ने कहा कि पराली कृषि अपशिष जलाए जाने की घटना की पुष्टि होने पर संबंधित कृषक को दंडित करने के साथ क्षतिपूर्ति की वसूली एवं पुनरावृत्ति न होने पर संबंधित के विरुद्ध अर्थदंड लगाए जाने के साथ 25,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने कहा, देखिए जो एनजीटी और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती निर्देश दिया है, खास तौर पे जो उत्तर भारत में ये समस्या है और ये बहुत बहुत भयंकर रूप से जो अभी रूप लिया है, खास तौर पे एनसीआर रीजन में और वेस्टर्न यूपी में, इधर भी है गाजीपुर और बलिया में भी, जो ताकि सैटेलाइट इमेज से रोज़ाना मॉनिटरिंग होता रहता है, इस पर किस जगह से जलाया जा रहा है वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सहित पता चल जाता है किसका खेत जल रहा है, कौन जला रहा है। मैं तो किसान को मैं अपील कराना चाहता हूँ, जो अवशेष है, डंटल है, जो बचा है, उसी का आप उसी के लिए अलग मशीन होता है, नहीं तो अलग तरीके से उसे काट के रख लीजिए, कतई नहीं जलाना है। जलाने में तो बहुत प्रदूषण होता है, वो केवल आपका नहीं पूरा देश को हानिहार होता है और कहीं कहीं जो पूरा आगजनी का बड़ा हादसा भी हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया मत करिए, नहीं तो इस पे करने वाले के ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगा, 25,000 तक का जुर्माना है और मुकदमा भी दर्ज होगा।